ओए हीरो, एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। तुमसे ही तो खिलते सारे फूल ही दुबारे। पति दारू पीकर रात को घर देरी से पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी। देख के पति बोला, कितना काम करेगी तू? ला ये झाड़ू मुझे दे दे, रात के 2 बजे हैं, सोना नहीं है क्या? कुछ तो अपना ख्याल कर पगली। ये सुनकर बेचारी पत्नी की आंखों में आंसू। आजकल की माएं बच्चों को बेबी शैम्पू से, बेबी साबुन से नहलाती है, और एक हमारा जमाना था जब हमारी माँ नहलाती थी तो पत्थर रगड़ के ही मेल उतार देती थी। इन औरतों के भी बहुत चोचले हैं। अरे शादी के पहले इन्हें साड़ी पहनने का मन करता है और शादी के बाद इन्हें सूट पहनने का मन करता है। एक शादीशुदा आदमी भगवान से पूछता है, हे प्रभु, तूने बचपन दिया उसे छीन लिया, ऐश आराम दिया उसे भी छीन लिया, पैसा दिया वो भी चला गया, और अब ये बीवी दी उसे देकर ही भूल गए। जैसी संकट गर्मी पड़े भयंकर, ये एसी भी खराब हो गया, ओ सो भी ना पाई मैं रात भर भाई, तो मच्छर में परेशान। अरे मैं नहीं डरता तुमसे। डरते हो तुम हो, जब पहली बार मुझे देखने आए थे तो 4-5 लोगों को साथ लाए थे, अब मुझे लेने आए थे तो पूरे 200 लोगों को साथ लेकर आए थे, मुझे देखो अकेली आ गई। आज 4 दिन हो गया मैसेज को नहीं आया, और लाके आंधी में उठ गो डाकी। बाबू जिस हिसाब से मैं सालों से सुबह शाम दोपहर रोटियां बनाती रहती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मकसद ही आटा खत्म करना है। तुम नखरे की बात करती हो, मैं तो तुम्हें भी उठा लूंगा बाबू। विदेश में लोग चिंतित हैं कि जिंदा बचेंगे या नहीं, और हमारे गांव की औरतें अगले साल के लिए अचार बना रही हैं। घर की औरतें सास ननद जेठानी देवरानी सब बन जाती है, सहेली नहीं बन पाती एक दूसरे की। रात को जब आंधी आती है तो शहर के बच्चे, मम्मी हमें आपके पास सोना है, बिजली कड़क रही है, और गांव के बच्चे, ये माई झोला दे आम चुन ले आई। अरे हबीबी, तुम्हारे राजस्थान में तावड़ा बहुत तावड़ा पड़ती है। हबीबी यहाँ नहीं बैठती, तुम बैठती तो तुम्हारा ढूंगा बंदर भर का हो जाता। हरी रसोई में रोटियां तेरी ओ मन सेक सेक कर बाढ़ दी, मैं तारो बाप को नौकर ना जतन कही वही सब जी। तोंद निकलने का एक फायदा तो है, मोबाइल की स्क्रीन पेट से रगड़कर साफ कर सकते हैं। सोनम, मैंने सुना है कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं। पायल, पैसा हो या ना हो, पति अच्छा होना चाहिए। अगर पति अच्छा नहीं होना तो बड़े बड़े महलों में भी घुटन होने लगती है। बाजार में दूसरों की बीवियों को घूरने वाला व्यक्ति, जब वो खुद अपनी बीबी के साथ बाजार जाता है तब वो दूसरों की बीवियों को नहीं घूरता है, अरे तब वो आदमियों को घूरता है कि कहीं कोई मेरी बीबी को देख तो नहीं रहा है।